हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम अंडर ग्रेजुएट थर्ड सेमेस्टर नैप 3001 अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 मेजर कोर्स अंडर एनईपी हिंदी गद्य पेपर कोड नंबर आप देख लीजिए। आपको पेपर के टाइमिंग 3 घंटे है, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका 75 नंबर आपको मिलते हैं। निर्देश देख लेते हैं। सभी खंडों में निर्देशानुसार प्रश्न हल कीजिए। उसके बाद आपको जो सेक्शन, आपको 3 सेक्शन मिलते हैं, सेक्शन अ, सेक्शन ब और सेक्शन स। तो सेक्शन अ आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है, जबकि सेक्शन ब आपका होता है लघुत्तरीय प्रश्न होता है, और सेक्शन जो स होता है वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है। तो आप देखते हैं सेक्शन अ अति लघुत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघुत्तरीय अपेक्षित है। आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 5ों ही क्वेश्चन का करना कंपलसरी है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर निर्धारित किया है। कम से कम 75 शब्दों में आपको इसको आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 दलित आत्म कथाकार और उनकी रचनाओं के नाम लिखी, नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, जीवनी किसे कहते हैं, बताइए। थर्ड है आपका, गिल्लू किस विधा की रचना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, प्रेमचंद्र के किन्हीं 3 उपन्यासों के नाम बताइए। 5 क्वेश्चन है आपका, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने निबंध भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है में किनको जापानी तत्वों की संज्ञा दी है। अब आता है आपका खंड ब, लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 7.5 नंबर आपका कैरी होगा, और आपको अधिकतम 200 शब्दों में क्या करना है, आपको आंसर लिखना है। तो देखते हैं, 6ठा क्वेश्चन आपका, पर्दा कहानी का खान किस वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है, संक्षेप में समझाइए। 7th क्वेश्चन है आपका, एकांकी और नाटक में कोई 3 अंतर बताइए। आपका 8वां क्वेश्चन है, जीवनी की विशेषता बताइए। अब आपका खंड स आता है, विस्तृत या दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का क्या करना है, आपको उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 15 नंबर निर्धारित किए गए हैं। आपका विस्तृत उत्तर अपेक्षित है, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन शुरू करते हैं, लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब प्रसंग व्याख्या करना है, आपको अपने शब्दों में जो प्रसंग मिला है उसका व्याख्या करना है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। जुम्मन शेख की शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, मेरे मुंह से इस समय जो निकलेगा वह देवबाड़ी के सदृश है, और देवबाड़ी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश ना होना चाहिए। मुझे सत्य में जो भर भी टलना उचित नहीं है। इसको आपको क्या करना है, अपने शब्दों में क्या करना है, व्याख्या करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 10th क्वेश्चन है, कहानी कला के तत्वों के आधार पर पंच परमेश्वर कहानी की समीक्षा कीजिए। आपका 11th क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। आपका 12th क्वेश्चन है आपका, जूठन शीर्षक आत्मकथा की समीक्षा कीजिए। 13th क्वेश्चन है आपका, फिर से वही, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, ब्राह्मण ना किसी के राज्य में रहता है और ना किसी के अन्न से पलता है, स्वराज में विचरता है और अमृत पीकर जीता है, यह तुम्हारा मिथ्या गर्भ है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।